आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। जनपद मैनपुरी के पतारा वाहनपुर में आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ सपा पर हमला बोलते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी तमंचावादी पार्टी थी, लोगों के जबरन मकान प्लॉट कब्जाए जाते थे, बेटियां सुरक्षित नहीं थी, उन्होंने विकास केवल कब्रिस्तान का किया है। उन्होंने मैनपुरी के जनता से अपील की कि चारों सीटें जिता देना, डबल इंजन की सरकार में डबल विकास होगा। खबर कानपुर से है, जहां पर हिजाब मामले में न्यायालय पर विश्वास जताया गया है। रामलला पर न्यायालय के फैसले का उदाहरण देते हुए कहा गया कि न्यायालय के आदेश को जनता मानेगी। वहीं स्टार प्रचारक के लिस्ट में नाम ना होने के सवाल पर उमा भारती ने कहा कि मैं सुपरस्टार हूं। हमने पॉलिटिशियन से अपील की है, इस विषय पर मत बोलिए। मीडिया से अपील की है, इसको मत दिखाइए इस बात को, ठीक है? कुछ नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया था कि जहां रामलला विराजमान है वहां भव्य मंदिर का निर्माण होगा। पूरे देश ने उसको शांति के साथ सुना था और सबने उसको स्वीकार ही नहीं किया था। एक आत्मा नहीं, मुझे इस विषय पे बोलना नहीं और मुझे इस विषय पे सुनना भी नहीं। मैंने कहा ना, जब सुनना ही नहीं है, मुझे सुनाई नहीं दिया मेरे को, आपने क्या बोला जी बताइए। और वो भी हमारे देश के वासी हैं, मैं उनके बीच में जाऊँगी, मुझे क्या दिक्कत है उसमें? उसके बाद दूसरी सवाल है, इस देश में सारे लोग एक ही? मैं राहुल की तरह थोड़ी कहूँगी कि एक देश में दो देश हैं। एक ही देश है, एक ही जन है, एक ही मन है, एक ही प्राण है, एक ही आत्मा है। लखीमपुर में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए परिवारवाद की बात कही है। जिनकी सरकार में गुंडा राज है, अपनी सत्ता का उपयोग विशेष धर्म के लिए किया गया है, कार सेवकों पर गोली चलाने वाले मंदिर घूम रहे हैं और घंटियां बजा रहे हैं। सपा सरकार में बराबर माफिया राज ही रहा है। जेपी नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 तलाक कानून बनाकर मुस्लिम महिलाओं को तलाक से निजात दिलाते हुए बहुत बड़ी मिसाल कायम की है। लखनऊ में 2022 के चुनाव की शुरुआत हो चुकी है। 23 फरवरी को चुनाव होने हैं और जिसको लेकर तमाम राजनीतिक दल अपनी जमीन तलाशने में जुटे हुए हैं। तो वहीं लखनऊ की सरोजनी नगर से समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री अभिषेक मिश्रा को दी गई है और अभिषेक मिश्रा की पत्नी स्वाति मिश्रा लगातार सरोजनी नगर में जनसंपर्क कर रही है। इसको लेकर हमारे संवाददाता ने स्वाति मिश्रा से खास बातचीत की है, आप भी देखिए। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की शुरुआत हो गई और वहीं बात करें राजधानी लखनऊ की, तो 23 फरवरी को यहां पर चुनाव होने हैं और वहीं समाजवादी पार्टी ने सरोजनी नगर की कमान अभिषेक मिश्रा के हाथ में दी। इस वक्त हम मौजूद हैं सपा कार्यालय में, जहां पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं अभिषेक मिश्रा की पत्नी स्वाति मिश्रा जी, जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे। मैम, आखिर वो कौन से ऐसे अहम मुद्दे हैं जिसको लेकर आप चुनावी मैदान में उतरे? जनता जो के बीच में हम लोग जैसे जा रहे हैं, यहाँ की जनता 5 साल में बहुत परेशान हो चुकी है। लोग महंगाई से बहुत परेशान है, क्षेत्र में कोई बिल्कुल भी काम नहीं हुआ है, विकास का कोई काम नहीं हुआ है और पिछले 5 साल में लोग बहुत परेशान आ गए हैं। और उससे पहले हमारी समाजवादी सरकार थी, प्रोफेसर मिश्रा उसमें मंत्री रह चुके हैं, उस कार्यकाल में उन्होंने बहुत काम किया था और समाजवादी सरकार ने भी बहुत काम किया था। तो हम लोग मेन मुद्दा ये लेकर जा रहे हैं कि इस बार आप लोग काम के नाम पे वोट करिए, विकास के नाम पे वोट करिए। मैम, प्रदेश स्तर की अगर बात करें और अभिषेक जी खुद एक प्रोफेसर हैं, जिस तरीके से देखा गया शिक्षक भर्ती को लेकर लगातार अभ्यर्थी प्रदर्शन करते नजर आ रहे, तो इसको लेकर समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है? नहीं, बिल्कुल मंच से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि हम उसको सपोर्ट करेंगे। अभी भी मेरी शिक्षक मंच से बात हो रही थी, वो भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं, उनका भी हमें पूरा समर्थन है, तो हम लोग भी पूरा उनके लिए काम करेंगे। शिक्षक वर्ग तो मैं खुद भी प्रोफेसर हूँ, आई एम लखनऊ में पढ़ाती थी मैं, तो बहुत ज़्यादा परेशान है। मैं कहूँगी हर वर्ग बहुत परेशान है भाजपा सरकार से, बदलाव चाहते हैं। मैम, सरोजनी नगर के जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं वो लगातार ये कहते नज़र आ रहे हैं कि मैं सरोजनी नगर विधानसभा को उत्तम विधानसभा बनाने का काम करूँगा, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, प्रोफेसर मिश्रा जो हैं पिछली बार उत्तरी विधानसभा से थे और उसको उन्होंने उत्तम बना दिया था
और मैं यही कहूँगी हमारे पास तो एग्जाम्पल है, पिछले 10 साल से प्रोफेसर मिश्रा क्षेत्र में काम कर रहे हैं और उन्होंने उसको बहुत उस पर काम किया है, उसमें चाहे आप 7 फ्लाईओवर बनाए, बहुत सारे ट्रांसफॉर्मर्स लगाए, हर क्षेत्र में काम किया, एजुकेशन के क्षेत्र में काम किया, स्किल डेवलपमेंट के मिनिस्टर है, बहुत सारी ITIs भी बनाई थी और हॉस्पिटल्स पे भी काम किया गया था, तो हम लोगों ने बहुत काम किया था। जहाँ दूसरी तरफ जो आपने बात करी प्रत्याशी की, वो तो एक दिन पहले चुनाव से रिजाइन करके आए हैं, अधिकारी हैं, उनको तो लोगों से कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं वो तो लोगों से, जैसे हम जनता के बीच में जा रहे हैं सब कह रहे हैं वो तो तानाशाही, उन्होंने हमेशा अधिकारी से कोई नहीं कनेक्ट कर सकता, हम शिक्षक हैं, हम लोगों के बीच में 10 साल से हैं, उनके सुख में दुख में हमेशा हम खड़े रहे, तो हम लोगों के बीच के हैं और वो जो है मुझे नहीं लगता उसमें कुछ कर पाएंगे। लगातार बीते दिनों आप लोग सरोजनी नगर विधानसभा में लोगों से मिल रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, मैम क्या वो प्रमुख समस्याएं हैं सरोजनी नगर विधानसभा की और जीतने के बाद कैसे उन चीज़ों का निस्तारण किया जाए? सबसे मुख्य जो समस्या है यहाँ पे वो है सड़कों की, नालियाँ नहीं बनी हैं तो उसकी वजह से जलभराव की गड्ढे बहुत हैं और सड़कें बहुत बुरी हालत में हैं। ये मानस नगर मतलब पूरा ही एरिया में मैं घूम जा रही हूँ, रोज़ लोगों से मिल रही हूँ, तो सड़कों की समस्या, नालियों की, जलभराव की। दूसरी जो समस्या है वो है ट्रैफिक की, ट्रैफिक यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, उससे भी लोग परेशान हैं। बिजली व्यवस्था भी बहुत ख़राब है, खम्भे नहीं लगे हैं, बिजली आती नहीं है ठीक से, तो हम उसमें ट्रांसफार्मर्स बढ़ाने का काम करेंगे और उस पर काम करेंगे। और एक और जो मैं अहम समस्या है वो है लॉ एंड ऑर्डर की भी यहाँ पे। अभी कल ही मैं तेलीबाग में व्यापारियों से मेरी मीटिंग थी तो उसमें वो लोग बहुत परेशान थे, मतलब ओवरऑल तो व्यापारी वैसे भी परेशान है, 5 साल में महंगाई और GST कह रहे धंधा एकदम ख़त्म हो गया है, बट उन्होंने कहा कि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर भी बहुत ख़राब है, हर दिन 3 या 4 दुकानों में यहाँ पर डकैती पड़ रही है, तो उस पर उनके बोती की कैमरा लगे, पुलिसिंग हो, तो उस पर भी हम काम करेंगे। लॉ एंड ऑर्डर की आपने बात की, विपक्ष लगातार समाजवादी पार्टी को कानून व्यवस्था को लेकर घेरता नज़र आता है और उसको कभी कभी ये भी कहते हैं कि समाजवादी पार्टी ने लगातार बाहुबलियों को टिकट दिया है, मैं उसको लेकर क्या कहें? नहीं, बिल्कुल गलत बात है, समाजवादी पार्टी में तो लॉ एंड ऑर्डर पर बहुत काम किया गया था, जो Dial 100 जिसका इन्होंने नाम बदल दिया, इन लोगों को बहुत शौक है नाम बदलने का, 112 कर दिया, वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बहुत अच्छा इनिशिएटिव था और हमने बहुत सारी गाड़ियां भी दी थी, लोग जहां जगह जगह रात भर में पुलिस की प्रेजेंस थी, उससे बहुत लॉ एंड ऑर्डर में सुधार आया था। और जब से इनकी सरकार आई है वो सारी हमने पुलिसिंग पे जितनी मेहनत और पैसा भी खर्च हुआ था उस पर इन्होंने कुछ काम नहीं किया, वो सारी गाड़ियाँ भी खड़ी हो गई और बर्बाद कर दिया इन्होंने, पैसा भी और पुलिस व्यवस्था भी। दूसरी, हमने महिलाओं के लिए लॉ एंड ऑर्डर के लिए एक 1090 जो हेल्पलाइन बनाई थी उसको भी हम और शहरों में बढ़ाना चाहते हैं, तो उस पर भी हम काम करेंगे। भाजपा सरकार में तो लॉ एंड ऑर्डर बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया है, आए दिन आप पेपर उठा लीजिए और अगर आप डेटा निकालें असली तो लॉ एंड ऑर्डर में इस सरकार में तो बहुत ही बुरी हालत है, जितने केसेस हुए चाहे महिलाओं के खिलाफ हों चाहे लोगों के खिलाफ हों वो हमारी सरकार से कई बहुत ज़्यादा हैं जी। तो ये थी हमारे साथ स्वाति मिश्रा जी, जिनका साफ तौर से ये कहना है कि अगर समाजवादी पार्टी सरकार आती है तो कानून व्यवस्था से लेकर चाहे वो विकास का मुद्दा हो या महिला सुरक्षा का हो, तमाम मुद्दों पर लेकर समाजवादी पार्टी काम करेगी। लखनऊ से अजहर खान, Prime TV। और आयामी जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा ने दिव्यापुर विधानसभा के प्रत्याशी ओम प्रकाश राजपूत के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे, जहां पर उन्होंने विरोधी पार्टियों पर जमकर हमला बोला और जनता से आगामी 20 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव के दिन जन अधिकार पार्टी के दिव्यापुर विधानसभा के प्रत्याशी को भारी बहुमत से विजय बनाने की अपील की। और यह की जनता से यही अपील की है कि अगर आप एक समान शिक्षा पद्धति चाहते हैं, चाहते हैं फ्री मिले सिंचाई के लिए, बिजली फ्री मिले, उसकी फसल उसे सही कीमत मिले, जो पेंशन सरकारी अधिकारियों की समाजवादी पार्टी की सरकार ने ख़त्म किया वो पेंशन दोबारा बहाल हो, तो आप जन अधिकार पार्टी के प्रत्याशी भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के प्रत्याशियों को विजयी बनाइए, अगर सरकार भागीदारी परिवर्तन। मोहम्मदाबाद विधानसभा से भाजपा विधायक और प्रत्याशी अलका ने आज 4 सेट में अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि उनकी लड़ाई गुंडे और माफियाओं से है, उनके विधानसभा क्षेत्र में लड़ाई सपा बनाम भाजपा तक सीमित है। उन्होंने ये भी कहा कि वो अपराधियों के खिलाफ चुनाव लड़ती है, समाज का हर तबका सरकार की उपलब्धियों से खुश नजर आ रहा है, आने वाले दिनों में प्रदेश में एक बार फिर सरकार योगी सरकार को
जी हमारे जो भी कार्यकर्ता बंधु हैं, हम लोगों की लड़ाई एक गुंडा माफियों के खिलाफ मैं लड़ती हूँ हमेशा, मोहम्मदाबाद की लड़ाई। और यहाँ पर कोई पार्टी नहीं, केवल दो ही है जो हम एक अपराधियों के खिलाफ मैं चुनाव लड़ती हूँ। और यहाँ पर हमारे कार्यकर्ता जितने हैं मोहम्मदाबाद क्षेत्र के, किसी भी जाति बिरादरी को हमारा पूरा सपोर्ट करते हैं, उनका पूरा सहयोग रहता है। और हम 2017 में 30 माने 1,30,000 वोट पाए थे, इस बार हमको लगता है कि 1.5 हो जाएगा। माने खबर गाजीपुर जिले से है, जहां पर विधानसभा चुनाव को सकुशल, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराए जाने के उद्देश्य से आईजी वाराणसी क्षेत्र वाराणसी के सत्यनारायण ने 7 विधानसभा क्षेत्रों के नामांकन स्थलों एवं कक्षों का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि नामांकन स्थल पर प्रत्याशी द्वारा भारत निर्वाचन आयोग के गाइडलाइन का 100% पालन किया जाए। किसी भी प्रत्याशी द्वारा आचार संहिता का उल्लंघन किया जाता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। खबर जौनपुर से है, जहां कई प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया है, जिसमें मल्हनी से बीजेपी प्रत्याशी पूर्व सांसद केपी सिंह ने नामांकन दाखिल किया। साथ ही सपा के प्रत्याशी वर्तमान विधायक मल्हनी लकी यादव ने नामांकन दाखिल किया। तो वहीं शाजागंज विधानसभा से प्रदेश के पूर्व ऊर्जा मंत्री और वर्तमान विधायक शैलेन्द्र यादव ने नामांकन दाखिल किया। तो उधर केराकत विधानसभा से सपा प्रत्याशी पूर्व सांसद तूफानी सरोज ने नामांकन दाखिल किया। हम मल्हनी विधानसभा से नामांकन किए, हम जीतने जा रहे हैं। मल्हनी विकास में तो अभी बहुत पिछड़ा हुआ, क्योंकि हमारा वहाँ विधायक नहीं था। मल्हनी के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी को वहाँ की जनता वोट कर रही है, हम जीत रहे हैं। पार्टी ने जिसको कैंडिडेट घोषित किया उसको लड़ाना, आज मुझे पार्टी घोषित किया, हम लड़ रहे हैं। किससे चुनौती मांग रहे हैं? और कोई चुनौती है ही नहीं है कोई यहाँ तो, न तो सपा को उम्मीदवार अभी घोषित है, न बसपा को उम्मीदवार घोषित है। कितना वोट मिल रहा है मंत्री जी, कितना वोट इस बार पा रहे हैं? 1,00,000 से ज़्यादा वोट मिले। आज नामांकन दाखिल किया है, और रही बात तैयारी तो बदलापुर की जनता कर रही थी और कर रही है कि कब 7 मार्च आएगा, कब 7 मार्च आएगा और कब हमको अवसर मिलेगा कमल का बटन दबाने का और 50,000 से ऊपर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताने का। बदलापुर का विकास बोल रहा है, बदलापुर का जन जन बोल रहा है, और हमें पूरा विश्वास है कि हमारे एक एक कार्यकर्ता और बदलापुर की जनता इस चुनाव को लड़ रही है। देखिए तैयारी क्या, तैयारी मैं जनता के बीच में हूँ, जनता के सुख दुख में, उनके परेशानी में खड़ी हुई हूँ, और मुझे पूरा भरोसा है कि जनता मुझे अपना आशीर्वाद और सहयोग देगी। आने वाले 7 मार्च को वोट के माध्यम से मुझे वहाँ का अपना जनप्रतिनिधि चुनेगी। भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी और पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी और सरकार बनेगी। हम गाँव के रहने वाले हैं, सामने और जब पश्चिम से हवा चलती है, जैसे जैसे पूरब आती है वो तूफान का रूप लेते जाती है। पश्चिम के पहले राउंड से समाजवादी पार्टी, उसके गठबंधन के पश्चिम जो हवा चल रही है, समाजवादी पार्टी और उसके गठबंधन के पश्चिम पहले राउंड से जो हवा चल रही है वो लखनऊ ढांकते ढांकते तूफान का रूप ले लेगी। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी अब तक की विधानसभा का सबसे बड़ा बहुमत लेकर सरकार बनाने जा रहे हैं। जीतूंगा और अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनेंगे, ये निश्चित है। एक घमंड की बात नहीं कर रहा हूँ, जनता की आवाज़ है। उनके उनके चेहरे बता रहे हैं कि मुझे इस बार वो जरूर जिता के, भारी मतों से जिता के भेजेंगे और पूर्वांचल की सबसे बड़ी जीत देंगे। बॉर्डर का रहने वाला हूँ, निकट का रहने वाला हूँ, मैं इस धरती को नमन करता हूँ और सर समाज को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, अधिवक्तागढ़ को भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, और सब बहुजन समाज पार्टी से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। बहन कुमारी मायावती ने मुझे टिकट दे करके 371 जफराबाद में। खबर रायबरेली से है, जहां पर लॉ कॉलेज में प्रैक्टिस देने के लिए छात्रों को कॉलेज स्टाफ ने पीटा। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। दरअसल छात्र की मार्कशीट के नाम की स्पेलिंग में कुछ गलती थी। कॉलेज स्टाफ की गुंडई से नाराज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कॉलेज के गेट पर विरोध प्रदर्शन किया। इस मामले में छात्रों ने पुलिस को अभी तक कोई शिकायत पत्र नहीं दिया है।
विद्यार्थी परिषद अभी जैसा आंदोलन कर रही है, अगर हमारी मांग नहीं मानी जाती है तो हम एक बड़े आंदोलन की तैयारी में हैं और अपनी मांग को लेकर हम डीएम प्रशासन तक और आगे प्रदेश सरकार तक अपनी मांगों को लेकर जाएंगे। फतेहपुर का छात्र है और हमारे यहाँ के आयुष्मान सोनकर जी हैं, उनका यहाँ रायबरेली का छात्र है और भी कुछ छात्र हैं, उनके साथ अभद्रता हुई है कॉलेज। आज हमारा प्रैक्टिकल था जो कि हमें प्रैक्टिकल के लिए बुलाया गया था और हम लोग जब वहाँ प्रैक्टिकल देने पहुँचे तो हम लोग का प्रैक्टिकल हुआ, मेरा नाम का करेक्शन कराना था मुझे, तो मुझे वहाँ मैं अब हमको बोला गया था कि अपना फाइल सबमिट करो, डॉक्यूमेंट सबमिट करो, तो मैं जब गया ऑफिस में, गिरजा शंकर जी थे जो कि कॉलेज के बड़े बाबू हैं, उनसे मैंने जा करके कहा कि सर मेरा ये पत्र है, आप इसको ले लीजिए, अर्पण सर से मेरी बात हुई है, उनको ये डॉक्यूमेंट दे दीजिएगा सबमिट करने के लिए। तो उन्होंने मुझसे उसी समय खूब ही खूब तेज खूब दुर्व्यवहार में मुझे अभद्र शब्द बोल करके मुझे अपमानित किया सबके सामने। उन्होंने कहा यहाँ से भाग के यहाँ से चला जा, मैं कंटाप मार दूंगा तुझे, मुझे गंदी गंदी गालियाँ दी, खूब खूब अपमानित किया मुझे उस टाइम पे। सिद्धार्थनगर जिले में पुलिस को एक शातिर चोर को पकड़ने में सफलता मिली है। शातिर चोर को पुलिस ने ढेबरुआ थाना क्षेत्र के सिसवान से नेपाल जाने वाली सड़क के पास से पकड़ा है। चोरों के पास से कई कीमती सामान भी बरामद हुए हैं। चोर को पकड़ने वाली टीम को 20,000 रुपए का इनाम भी दिया गया है। ये अभियुक्त रमजान जो है ये बहुत शातिर किस्म का अपराधी है, 19 मुकदमों में पहले जेल गया था, अभी ये जमानत में था। इसके द्वारा कुल 3 घटनाएं अभी जल्दी जल्दी की गई हैं थाना ढेबरुआ में, और जिसमें इसको गिरफ्तार किया गया है। इसकी गिरफ्तारी आज सुबह 6 बजे सिसवा से नेपाल जाने वाली सड़क के। अयोध्या में लूट और बाइक चोरी करने वाले 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। कोतवाली नगर पुलिस ने चेकिंग के दौरान शहर के GIC तिराहे से गिरफ्तार किया है। इनकी निशानदेही पर चोरी के 5 मोटरसाइकिल और लूट के 12,000 रुपए बरामद हुए हैं। गिरफ्तार किए गए लुटेरे जनपद के थाना रौनाही और पुराकलंदर के हैं। जनवरी को एक लूट की घटना की थी, एक महिला नाका के पास में बैंक ऑफ बड़ौदा से 20,000 रुपये निकाल करके अपने गांव पलिया साहब दी जा रही थी, तो जिसमें इस अभियुक्त ने बाइक से पीछा करके और पैसा छीन लिया था। उस पर अभियोग पंजीकृत कोतवाली नगर में हुआ था, वो घटना का अनावरण हुआ है, उसमें वो अभियुक्त जो है गिरफ्तार हुआ है। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।